हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जहां पर मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। अब कुछ प्रॉब्लम थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि क्लोरोफिल लाल क्यों होता, क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि होमोग्लोबिन लाल क्यों होता है। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर के एक्सप्लेनेशन को बता नहीं पा रही थी। तो कलर का लॉजिक देने के लिए एक नई थ्योरी आई, उसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए क्या उसने समझाया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं फिलहाल आपको ऑक्टा का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑक्टा का मतलब है दोनों ही केसेस में आ जाएंगे, चाहे आप sp3d2 की बात करें और चाहे आप d2sp3 की बात करें, डजंट मैटर, ऑक्टा की बात हो रही है। CFSE बनाऊंगा इसी हेडिंग में, इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसी में बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन का फिर आप लोग VBT का पढ़ते हैं, 1s2, 2s2, 3s2। यहां पर एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो EG और P2G के टर्म में पढ़ा जाता है। और फिर मैं आपको यहां पर रीजन ऑफ कलर बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट करता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेरे पास जो डी होता है उसमें पांच घर होते हैं और पांचों घरों के नाम भी मुझे मालूम है। ये देखिए पहले कहीं बता चुका हूं, इसका नाम है dx²-y² और dz²। और मैंने आपको पिछले डायग्राम में लॉजिक बताया था कि इन तीन घरों को हम लोग बिटवीन द एक्सेस का घर मानते हैं। ये बिटवीन द एक्सेस का घर है और इन दोनों घरों को हम अलोंग द एक्सेस का घर मानते हैं। इट इज अलोंग द एक्सेस, डायग्राम में दिखा चुका हूं, फिर दिखा दे रहा हूं। अगर मैं x²-y² दिखाऊं तो ये x²-y² का डायग्राम है। अगर मैं आपको dz² का दिखाऊंगा तो ये डायग्राम dz² का है, ये z एक्सेस है, ये अलोंग द एक्सेस है। और अगर मैं बिटवीन द एक्सेस दिखाऊं तो मैं आपसे कहूंगा ये देखिए x है और ये y है। अगर आप इस समय यहां पर लोग दिखाएंगे तो आप कहेंगे ये xy एक्सेस के बीच वाला है। अगर आप इसे yz कर देंगे तो इसी का नाम yz एक्सेस हो जाएगा, उसके बीच वाला हो जाएगा। या आप इसे zx कर देंगे, ये देखिए zx, तो अब ये zx लोग के बीच वाला हो जाएगा। मतलब 5d ऑर्बिटल दो तरह की होती हैं, पांच में से तीन घर बिटवीन द एक्सेस के होते हैं क्योंकि वो लोग एक्सेस के बीच होते हैं, और पांच में से दो घर एक्सेस के ऊपर बने होते हैं इसलिए हम उन्हें अलोंग द एक्सेस कहते हैं। ओके, इन पांचों घरों की एनर्जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सेम मानी गई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सेम मानी गई थी, उस समय इनको हम डी जेनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। डी जेनरेट ऑर्बिटल्स वो होती हैं जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब इसको कोई लीगेंड अप्रोच करता है, लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इस घरों में भी कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। भाई कोई ना कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आयरन है या कॉपर है, उसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होता है जिसकी वजह से ये रिपेल कर अपनी एनर्जी को बढ़ाता जाता है। रिपल्शन का मतलब होता है झगड़ेबाजी। अगर मैं आपसे रिपेल कर रहा हूं तो मैं आपका विरोध कर रहा हूं, झगड़ा कर रहा हूं, और एक समय पर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये घर दो भागों में टूट जाता है, जिसमें से दो घर ऊपर चले जाते हैं और तीन घर नीचे जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसमें से दो घर ऊपर और तीन घर नीचे क्यों चले गए, आपके मन में बात आ रही होगी। सर तीन घर ऊपर और दो घर नीचे क्यों नहीं चले गए, बताऊंगा अभी। फिलहाल इस घर को हम हाई एनर्जी कहेंगे, इस घर को हम लो एनर्जी कहेंगे, और ये इसका सेंटर एनर्जी है। यहां पर थी, दो घर हाई में चले गए, तीन घर लो में चले गए। इस घर को हम ईजी सेट के नाम से जानते हैं, जबकि इस घर को हम T2G सेट के नाम से जानते हैं। और इसके बीच जो एनर्जी गैप आ गया है वो डेल्टा, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, और ओ कहते हैं, जीरो नहीं, ओ का मतलब है मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं। चलिए अब पहले ये बता दूं आपको कि दो ऊपर और तीन नीचे क्यों चले गए। ये बात समझने के लिए आपको इस डायग्राम पर गौर करना पड़ेगा। ये देखिए ये डायग्राम है मेरा एक।
अगर मैं आपसे इस डायग्राम में पूछूं कि मुझे इसमें x, y और z एक्सिस दिखाइए, तो हो सकता है आप कहते हैं सर x ये है और y ये है, ठीक है। आप कोई भी दो एक्सिस अपने आप से x और y मान सकते हैं। देखिए मैं जिस तरीके से मान रहा हूं उस पर गौर करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला एक्सिस मैं x मान रहा हूं, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। ये प्लस x हो गया और ये माइनस x हो गया, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। आप इसको भी x मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो। भाई x और y एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए खाली बस। तो आप अगर यहां x मानेंगे तो यहां y मानेंगे। मैं ये x मान रहा हूं तो ये वाला मैं y मान ले रहा हूं। ये देखिए ये प्लस y हो गया और ये माइनस y हो गया। तो दो एक्सिस तो बोर्ड पर हो गए, एक एक्सिस मैं बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर मानने जा रहा हूं। चूंकि मैं वो दिखा तो आपको ऐसे नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको मैं बोर्ड के ऊपर नीचे तो नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए आपको ये माइनस वाई और प्लस वाई और एक कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूं। ये देखिए जेड एक्सिस, इट इज योर जेड एक्सिस, इज प्लस जेड और माइनस जेड। तो तीन तरह के ये एक्सिस हैं, मतलब सिंपल डायग्राम में इस बोर्ड के ऊपर ये एक्स वाई जेड मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा एक बार याद करिए, जब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल का कोई भी केस बनाता था, लाइक मैं आपसे कहूं कि COF6 का डायग्राम बनाओ, तो बताइए आप COF6 का डायग्राम कैसे बनाया करते थे। थोड़ी देर पहले आपने COF6 का डायग्राम बनाया था, इसमें यह माना जाएगा सेंट्रल एलिमेंट कोबाल्ट यहां बैठा है और आप कहते थे एक एफ इधर से आता था, एक एफ इधर से आएगा, एक एफ इधर से आएगा, एक एफ इधर से आएगा, एक एफ ऊपर से आएगा और एक एफ नीचे से आएगा। समझिएगा बात को, एक्चुअल में इस सीओ के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे और ये लिगेंड है और ये भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों में और इसके इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होगा। अब इस कमरे में बाहर से आने के दो रास्ते हैं, एक इधर डोर है एक इधर डोर है, दो ही रास्तों से आपके अंदर आ सकता है। और दोनों में से अगर सपोज करिए कोई मेरा दुश्मन इस रास्ते से अंदर आता है तो मुझे उसको रोकने के लिए इस तरफ अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब मेरा एनर्जी लेवल इस दरवाजे पर ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मेरे ही घर में अगर इधर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी मेरी, तो आपको इधर की एनर्जी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज टोटल एनर्जी सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा दुश्मन उस दरवाजे से अंदर आता है तो मुझे अपने इस घर का एनर्जी लेवल उधर बढ़ाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, तो मेरा एनर्जी लेवल उधर बढ़ जाएगा तो फिर इधर का कम हो जाएगा। मतलब मेरे इस घर में मैं डी ऑर्बिटल हूं, मेरे इस घर में आने के दो रास्ते हैं, एक अलोंग द एक्सिस का रास्ता है और एक बिटवीन द एक्सिस का रास्ता है। या तो बाहर से आने वाला दुश्मन जिसे मैं लीगेंड कह रहा हूं, वो या तो अलोंग द एक्सिस के रास्ते से आएगा या तो बिटवीन द एक्सिस के रास्ते से आएगा। अगर वो अलोंग द एक्सिस के रास्ते से आएगा, मान लो ये अलोंग द एक्सिस है, तो इधर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा इधर कम हो जाएगा। अगर वो बिटवीन द एक्सिस के रास्ते से आएगा तो उधर का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और मेरा इधर का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। देखिए मेरे इस घर में ये लिगेंड किस रास्ते से अंदर आ रहा है, ये x था और वो इसी रास्ते से आ रहा है, मींस वो x एक्सिस से आ रहा है और ये भी x एक्सिस से आ रहा है। ये कौन सा एक्सिस था, y। तो ये लिगेंड किस रास्ते से अंदर जा रहा है, ये y एक्सिस से अंदर जा रहा है। ये कौन सा एक्सिस था, z। तो ये किस एक्सिस से अंदर जा रहा है, z से अंदर जा रहा है। मींस ऑक्टाहेड्रल के केसेस में लिगेंड सेंट्रल एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए अलोंग द एक्सिस के रास्ते से अंदर जाते हैं, इसलिए अलोंग द एक्सिस के घरों का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसका रिपल्शन इसके साथ होगा, इसलिए इसके किन घरों की एनर्जी बढ़ जाएगी जो इसके रास्ते में आएंगे। और अलोंग द एक्सिस के रास्ते में दो घर आते हैं, इसलिए दो घर का एनर्जी लेवल ज्यादा और तीन घर का एनर्जी लेवल कम। ये कौन से घर है, ये बिटवीन द एक्सिस के हैं, और ये कौन से घर है, ये अलोंग द एक्सिस के हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए, क्योंकि ये दो और तीन में क्यों गया और तीन ऊपर क्यों नहीं गया, ये भी मैंने बता दिया। ओके, अब चूंकि टोटल एनर्जी मैं कह रहा हूं कि सेम आएगी, अगर टोटल एनर्जी सेम आएगी तो इस एनर्जी के लॉजिक को कैसे समझाया गया, देखिए जरा इस एनर्जी के लॉजिक को समझाने बता रहा हूं। इस एनर्जी के लॉजिक को समझाने के लिए उसने अपने मन से एक ऑर्बिटरी वैल्यू मान ली, उसने कहा ऊपर की इस वैल्यू को 0.6 बोल दो और नीचे की इस वैल्यू को -0.4 बोल दो। प्लस का मतलब है नॉर्मल से एनर्जी बढ़ गई है और माइनस का मतलब है नॉर्मल से कम हो गई। सर ये समझ में तो आ गया,
ये 0.6 और 0.4 कहां से आ गया, ये अपने मन से आर्बिट्री वैल्यू है, मनगढ़ंत है, तो कुछ भी मान लो, अरे ऐसे कुछ भी मान ले। बस एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर तुम मैक्सिमम कितने अकाउंट भर सकते हो, एक घर में मैक्सिमम 4, और यहां पर तुम मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6। पूरे सिस्टम का एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का लॉजिक लगाओ, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6 इज द एनर्जी ऑफ पर इलेक्ट्रॉन, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2.4 प्लस में, और 0.4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या जाएगा माइनस है 2.4, मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी चेंज जीरो हो गया, पूरे घर का टोटल एनर्जी चेंज जीरो आ रहा है। मींस अगर एक एरिया एक्साइट होगा तो उतना ही एनर्जी दूसरे एरिया से कम हो जाएगी, ये मैंने प्रूफ करा है कि लीगेंड के आने से कुछ घर हाई एनर्जी में जाएंगे, कुछ घर लो एनर्जी में जाएंगे, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज जीरो नहीं, जीरो बना रहता है। दिस इज द कॉज, ये 0.6 0.4 मैंने अपने मन से एक नंबर माना था, आप यहां कोई भी नंबर मान ले जिससे आंसर ये प्रूफ हो जाए मेरा काम चल जाएगा। ओके, 0.6 और 0.4 मैंने बता दिया कैसे आया। अब यहां पर अगर आप इसकी सीएफसी निकालना चाहें, सीएफसी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो सीएफसी को निकालने से पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीख लेना चाहिए। चलिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए इसका, अगर मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताऊं तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है लो एनर्जी में और फिर हाई में, तो पहले मैं लिखूंगा T2g और उसके बाद मैं लिखूंगा Eg, ये लो एनर्जी या हाई एनर्जी। अब देखिए सपोज करिए आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना हो यहां पर, एक, तो यहां पर कहां भरेंगे, हुल्स के अकॉर्डिंग आप यहां भरेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा T2g1 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। यहां पर आप करेंगे D1, इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं D1, यहां बोलेंगे T2g और Eg1। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का D2 है तो यहां पर लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा हुल्स के अकॉर्डिंग, ये देखिए। अब आप यहां बोलेंगे ये क्या हो जाएगा T2g2 Eg0। अगर आप यहां पर 3 भरेंगे तो यहां कैसे जाएगा, यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा T2g3 Eg0। अब जब चौथा भरेंगे, अब चौथा यहां जाएगा कि वहां जाएगा, ये एक समस्या है, तो चौथे के से एक लॉजिक और बोलना पड़ेगा आपको, वो ये कि जो लीगेंड आपने यहां पर डाला था वो आपको बताना पड़ेगा कि वो वीक फील्ड लीगेंड था या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था। अगर वीक फील्ड लीगेंड होगा मतलब अगर आने वाला दुश्मन कमजोर होगा तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी उसे रोकने में, मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आने वाला दुश्मन बहुत मजबूत होगा तो मुझे उसको रोकने के लिए ज्यादा एक्साइट होना पड़ेगा। कोई एक दो लोगों से ही मुझे खाली लड़ाई लड़नी है तो नॉर्मली संभाल ले जाऊंगा, बाहर देखा 10-12 लोग खड़े हुए और सबके हाथ में AK-47 भी है तो फिर मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगेगा कि साहब इनको संभालने की मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर शरीफ आदमी झगड़ा हो रहा है तो आपको ज्यादा एनर्जेटिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर गुंडों से झगड़ा हो रहा है तो फिर आपको ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ेगा। इसका मतलब है, अब ये एनर्जी गैप आपका बड़ा हो जाएगा। दिस टाइम दिस डेल्टा जीरो विल बी हाई इन कंपैरिजन टू दिस, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने झगड़ा थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ये सेंटर लेवल है, ये ज्यादा क्यों बढ़ गया क्योंकि गुंडा आ रहा है, ये ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा क्योंकि वीक आ रहा है। ओके, बाकी लॉजिक वही रहेंगे, इसकी वैल्यू को आप प्लस 0.6 मान रहे हैं, इसकी वैल्यू को माइनस 0.4 मान रहे हैं, ये अभी भी Eg है और ये अभी भी T2g है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अच्छा, अब अगर आपको यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो यहां तक आप वैसे ही भरेंगे, इसका मतलब है मैं आपको वीक फील्ड लिगेंड भरा रहा हूं और इसी के बगल में लिखा दे रहा हूं मैं किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अभी तक तो सेम आंसर आएगा, T2g1 Eg0, T2g2 Eg0, T2g3 Eg0, ये दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन जब आप चौथा भरेंगे तो सुनिएगा हुंस ने क्या कहा था, हुंस ने कहा था पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैव 1-1 इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि ये गैप कम होता है, मैंने भले आपको समझाने का बड़ा दिखा दिया, रियल में गैप बहुत कम होता है, बहुत कम। अगर ये गैप बहुत कम होगा तो इन दोनों के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होगा, और उस केस में वुड कहता है पेयरिंग तब तक मत करिए जब तक हर घर में इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। दिस इज द कॉज वीक फील्ड लिगेंड में ये हो जाएगा T2G4 और ये हो जाएगा T2G3 और ये हो जाएगा EG1, T2G3 और EG1। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाया तो गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा रियल में। तो हुंस क्या कहता है, अगर गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पेयर कर दो उसके बाद हाई में जाओ, प्योर हुंस रूल लगा रहा। मींस इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो यहां पर आंसर आ जाएगा T2G4 EG0। अगर मुझे 500 भरना पड़ा तो ये एनर्जी गैप रियल में बहुत कम है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे तो हर घर में इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा T2G3 EG2, जबकि यहां पर गैप ज्यादा होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरे रहेंगे, तो यहां पर फिगर क्या आ जाएगी T2G5 EG0। अगर मुझे यहां 6 करना पड़ जाए तो 6 क्योंकि अब सारे घरों में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, गैप बहुत कम है, अब पेयरिंग शुरू करूं। ये देखिए अगर यहां पर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा T2G4 EG2, और यहां पर गैप बहुत ज्यादा है पहले नीचे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये हो जाएगा T2G6 EG0। चलिए 7 करें तो क्या होगा, 7 करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये हो जाएगा T2G5 EG2। अब नीचे पूरा भर चुका है, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा T2G6 EG1। अगर यहां पर मैं एक बार भरूं तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये हो जाएगा T2G6 EG2, और इसमें क्या होगा, ये भर चुका है इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक दोनों घरों में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा T2G6 और EG2। अगर मैं यहां पर 9 भरूंगा तो क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां जाएगा तो ये हो जाएगा T2G6 और EG3, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर जाएगा तो ये हो जाएगा T2G6 और EG3। अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां भरूंगा तो इसमें वो यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा T2G6 EG4, इसमें वो यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा T2G6 और EG4। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बताई पहले मैंने, 2 और 4 क्यों गया, ऊपर 2 क्यों गए, नीचे 3 क्यों आए, उसके पीछे वजह बताई, ये गैप कम और ये गैप ज्यादा क्यों होता है उसकी वजह बताई, वीक और स्ट्रॉन्ग, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। अब वो पूछेगा कि बताओ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका सीएफसी क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब वो ये पूछेगा, देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, वो क्या है, वो फॉर्मूला कहता है प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय वाई। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, क्या मतलब हुआ इस फॉर्मूले का, 0.6 समझ लिया, एक्स क्या है, एक्स है इस घर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0.4 आप समझ लिया क्या है, वाई क्या है, इस घर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नंबर, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का सम जो निकल के आएगा वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, मतलब इस पूरे घर का टोटल एनर्जी क्या है ये निकालने जा रहा हूं मैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, ऊपर के इन 3 केसों का एनर्जी लेवल सेम आएगा दोनों ही केसों में, इसमें और इसमें, क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जो केस यहां है वही केस यहां है। एक बताना चाह रहा हूं, मान लो पहले वाले केस में तुम सीएफसी निकालने जा रहे हो, यहां निकाल रहा हूं मैं, आप पहले केस में सीएफसी निकालने जा रहे हैं, सीएफएसई पहले केस में, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसमें निकाल दो, T2G कहां है, नीचे वाला है, दैट इज पॉइंट, दैट इज माइनस वैल्यू आ जाएगी, इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था ये, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, प्लस ये मैंने 0.6 ये ले लिया मैंने, इस 0.6 पहले मुझे यहां पर लो और हाई लिख देना चाहिए था, कंफ्यूजन आपको ना हो, तो मैं यहां पर -4 लिख दे रहा हूं, -4x प्लस -6 प्लस 6y। अब मैंने पहले लो लिखा फिर हाई लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि करना थोड़ा बहुत करना आसान हो जाएगा आपके लिए, गलती नहीं होगी, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 यहां पर आइए, ईजी
दैट इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां से आंसर क्या आएगा, -0.4 आएगा। अब -0.4 किस केस में भी आएगा और -0.4 किस केस में भी आएगा, इसका मतलब जो आंसर यहां पर आएगा वही आंसर यहां पर भी आएगा, और ये शायद -8 होगा। जो आंसर यहां पर आएगा वही आंसर यहां पर भी आएगा, शायद ये -1.2 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहां से आंसर बदलने लगेंगे, शायद ये आंसर अलग अलग आएंगे, क्यों, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आने लगे हैं और यहां पर फिर से आंसर सेम हो जाएंगे, ये देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके सेम हो गए, देखिए सेम हो गए। तो बोर्ड में या कॉम्पिटिशन में उनके सीएफसी नहीं पूछे जाते हैं जिन केसों में दोनों तरफ सेम होते हैं, आपसे पूछे उनके जाएंगे जिनमें दोनों तरफ वैल्यू अलग अलग होगी। अब अगर मैं आपको सीएफसी निकाल के दिखाऊं, एक आज की प्रैक्टिस करा के दिखाता हूं सीएफसी की, सपोज करिए आप मुझसे कहते हैं कि मुझे D4 का सीएफसी निकालिए, और दो बार निकालिए, पहली बार आप वीक फील्ड लीगेंड के साथ निकालिए। अब वीक फील्ड लीगेंड के साथ D4 की कंडीशन क्या आएगी, वीक के साथ D4 की कंडीशन ये आएगी, देखिए दिस इज द कंडीशन ऑफ D4 फॉर द वीक। यदि ऐसा होगा तो आंसर आएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय x, नीचे 3 है, प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आएगा। तो यहां से आ गया 4 × 12 माइनस का, और यहां से 0.6 आंसर आएगा -0.6, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसी D4 का आंसर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से लगाते हैं तब क्या आएगा, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D4 ऐसा लिखा जाएगा, इट इज G4 फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज G4, सब नीचे होंगे, सब नीचे होंगे, तो आप आंसर निकालो, तो आपका होगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस माइनस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर आंसर आ जाएगा -1.2। देखिए यहां पर आंसर होगा 0.6, यहां पर आंसर होगा 0.6 -1.2। अब क्या आप बता सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ सीएफसी कैन बी डिफाइंड आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर स्टेबल, क्या आप बता सकते हो कि अगर D4 का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर D4 का कॉन्फ़िगरेशन है तो ये वाली स्पीशीज हाईली स्टेबल होगी या ये वाली स्पीशीज हाईली स्टेबल होगी। मैं बता दे रहा हूं, सीएफसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। वैसे भी आपको मालूम होगा एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी का इनवर्स होती है, जिस सिस्टम का एनर्जी लेवल कम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो आदमी गुस्सा कम करता है वो ज्यादा डेवलप करता है। तो आप ये कहिए जब मैं D4 को यहां पर निकालता हूं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर -0.6 आ रहा है, ये रुकावट कर रहा है, और जब यही आंसर मैं यहां निकालता हूं तो आंसर क्या आ रहा है, -1.2 आ रहा है। माइनस का मतलब कमी समान लीजिए, मतलब यहां पर 0 से -1.2 कम हो गया है और यहां पर 0 से -6 कम हो गया है, इसका मतलब ज्यादा कमी कहां पर आ गई है, ज्यादा कमी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आई है। This is the cause, it is more stable than this. Means, अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड के, क्योंकि इसका सीएफसी कम और इसका सीएफसी ज्यादा आ रहा है, ये वजह आप कह सकते हैं। वैसे बात बारी बारी इन सबकी निकाल लो, आप ये पाओगे इन सारे केसों का एनर्जी लेवल इन सारे केसों से कम आएगा, मींस ये सारे केसेस इसके कंपैरिजन में हाईली स्टेबल होंगे, जबकि इन तीन और ऊपर के तीन की हम बात इस केस में इस लॉजिक से नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के सीएफसी और इनके सीएफसी सेम आएंगे, इनके सीएफसी और इनके सीएफसी सेम आएंगे। मींस कौन कंपाउंड ज्यादा हाईली स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है, ये बात आप सीएफसी से कंडीशनली निकाल सकते हैं। इन केस में सीएफसी लगा सकते हैं, जबकि इन पर नहीं लगा सकते, ये बता रहा था मैं आपको ऑक्टा के बारे में। और कुछ पॉइंट रह गया सीएफसी के बारे में, ये बता दिया, ये हो गया, देख लो भी देख ले कुछ रह गया हो तो, बात हो गई है पूरी, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको इसके बाद टेट्राहेड्रल।